नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे एसटेट 2019 पीजीटी 16 नवंबर 2019 आंसर की। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए हरियाणा जी के क्वेश्चन नंबर 81, मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बहती, तो सोनीपत में नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 82, जिला जो मुख्यतः जुई नहर द्वारा सिंचित है, तो जुई नहर द्वारा मुख्यतः भिवानी जिला सिंचित है, ऑप्शन नंबर 3 है सही। क्वेश्चन नंबर 83, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी राष्ट्र था, तो किर्गिस्तान था, ऑप्शन नंबर 4 है सही। जिला जिसमें गुजरी महल अवस्थित है, तो हिसार जिले में अवस्थित है। मुख्यमंत्री के रूप में अवधि के आधार पर हरियाणा के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम क्रम में व्यवस्थित कीजिए, भजन लाल, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देवीलाल। तो पहले पे है बंसीलाल, दूसरे पे भजन लाल, तीसरे पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौथे पे देवीलाल। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही आंसर इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। शनो देवी के बारे में उल्लेखित कथनों पर विचार कीजिए। शनो देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, बिल्कुल थी, और ये उपाध्यक्ष थी पंजाब विधानसभा की 19 मार्च 1962 से लेके और 31 अक्टूबर 1966 तक। और उसके बाद जब देखिए जब हरियाणा का गठन हुआ उन्हें हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। हां जी बिल्कुल चुना गया, और ये अध्यक्ष थी 6 दिसंबर 1966 से और 17 मार्च 1967 तक। तो ए एवं बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 88, ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी कहलाता, बिल्कुल कहलाता है। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर से अधिक है। तो कुल लंबाई सिर्फ अगर हम बात करें यहाँ कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे की, तो ये 200 किलोमीटर से अधिक नहीं है, ये लगभग 135 किलोमीटर के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो इसमें हमें देखना है केवल ए सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो हरियाणा में सिरसा जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, और अगर ऑप्शन में सिरसा जिला है तो वही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, हरियाणा का राजकीय वृक्ष, तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा जीके से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए थे बड़ा ही जल्द। बाकी के जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं सभी के आंसर की हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, उन सब के लिए कर लीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे कीजिए लाइक और शेयर।